ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे की तुम्हाला आज विधानसभेमध्ये जायला मिळत आहे. खूप चांगल्या स्टोरीज करते ती. लोकमत डिजिटलला पाहिलं तर तिथे खूप स्टोरीज आहेत. सरांची ब्लेसिंग्स अँड सपोर्ट. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. आप सभी का स्वागत है आपके अपने मेरे यूट्यूब चैनल में. मैं अभी गोंडवाना यूनिवर्सिटी में हूँ और ये जो सारे हैं मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं. मैं पीजी कर रहा हूँ मास कम्युनिकेशन में और आज हमारा स्टडी टूर है. नागपुर में हम जा रहे हैं विधानसभा का कामकाज देखने के लिए और ये जो सामने से आ रहे हैं हमारे गोंडवाना यूनिवर्सिटी के कुलगुरु हैं डॉक्टर प्रशांत बुखारे सर. सुबह के 6:30 बजे ये साइकिलिंग कर रहे हैं और इन्हें देख के हम सब मोटिवेट हो गए और अभी हम सब वेट कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट आने के हैं. जैसे ही वो आ जाते हैं हम निकल जाएंगे नागपुर के लिए. ये हमारे टीचर्स हैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और अभी ये मैं कुछ शूटिंग की स्किल्स दिखाते हुए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम था तो थोड़े से फोटो वोटो खींचे हमने और शूटिंग की. अभिनंदन यासाठी की गोंडवाना विद्यापीठाच्या जनसंवाद विभागाची ही पहिली नागपूर अधिवेशनावर भेट आहे, त्यामुळे खरं म्हणजे तुम्ही नशिबान आहात की संधी तुम्हाला विद्यापीठानं माननीय कुलगुरु सरांनी, प्रोफेसर सरांनी आणि कुलसचिव सरांनी आपल्याला दिलेली आहे. सरांचे आभार मानूया आणि मी सरांना विनंती करतो की सर तुम्ही विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करा. ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे की तुम्हाला आज विधानसभेमध्ये जायला मिळत आहे. आजपर्यंत ज्या बॅचेसला मिळालं नाही असं डाप सर म्हणाले, पण तुमची बॅच अतिशय नशीबवान आहे की तुम्हाला ही संधी मिळते आहे. पण त्याच वेळेला तुमच्या बॅचला बॅचची जबाबदारीसुद्धा आहे. जबाबदारी अशासाठी आहे की तिथे गेल्यानंतर मास कम्युनिकेशनचे विद्यार्थी म्हणून तुम्ही आता काय काय निरीक्षणं करणार आहात. तो इस तरह हमारे गोंडवाना यूनिवर्सिटी के कुलगुरु डॉक्टर प्रशांत बुखारे सर ने हम सबको गाइड किया और साथ ही हम सबको बहुत सारी बधाइयाँ दी इस स्टडी टूर के लिए. तो फाइनली हम यूनिवर्सिटी के बाहर निकल चुके, नागपुर की तरफ जा रहे हैं और नागपुर में जो विंटर सेशन चल रहा है वहाँ पे हम विधानसभा में जाएंगे और विधानसभा में किस तरह से कामकाज होता है वो सारा हम अपनी आँखों से देखेंगे, लाइव देखेंगे कि कैसे वहाँ पे काम होता है. और ये जो नागपुर का रन है गढ़चिरौली से नागपुर 3 से 3.5 घंटे का है, तो बैठे बैठे क्या करें, बोर होने से अच्छा है थोड़ी सी अभी मस्ती कर लेते हैं. गाने के बाद थोड़ा सा डांस हो जाए. ये जो ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है गुलाबी शरारा, इस पर हमने थोड़ा सा यानी ट्राई किया डांस और फाइनली ये रहा हमारा डांस. कामकाज कसं असतं ते बघणार आहोत ना. माझ्यासोबत सर्व मित्रमंडळी आहेत, बघू शकता इकडे बघा. आणि अधिवेशनाचं कामकाज बघल्यानंतर नक्की आमच्यामध्ये बदलेल अशी आशा बाळगतो. इस तरह मस्ती करते करते हम नागपुर पहुंच गए और हमेशा की तरह नागपुर में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है और विंटर सेशन होने की वजह से हमें अपनी बस कहीं दूर ही पार्क करनी पड़ेगी और हम चलते चलते अभी जाएंगे विधानसभा के एंट्रेंस गेट के पास. हम पहुंच गए हैं
तो इस एंट्री गेट, तीन एंट्री गेट है, उसमें से एक गेट के पास हम आ गए। कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करने के बाद हम अंदर जाएंगे सारे लोग, और अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। खूब चांगल्या स्टोरीज करते थे लोकमत डिजिटलला पाहिलं तिथे खूप स्टोरीज आहेत। एंट्रेंस गेट पे हमें कराड़े सर मिले, उनके साथ हमने एक फ़ोटो खींची। जब हम अंदर आए तो अनिरुद्ध वनकर सर मिले, उनके साथ भी हमने एक फ़ोटो ले ली, और विधान भवन के सामने भी एक फ़ोटो ले ली। फिर कब मौका मिले पता नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे मीडिया के लोग अपना अपना कैमरा लेके खड़े हैं। अभी हम विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सभा में हम गए थे। वहाँ पे विजिटर्स गैलरी थी, वहाँ पे हमको बिठाया और हमने पूरा लाइव देखा अपनी आँखों से कि किस तरह अपने आमदार जो है अपने क्वेश्चंस वहाँ पे रखते हैं। वो पूरा कामकाज हमने अपनी आँखों से लाइव देखा, क्योंकि नॉर्मल इंसान को यहाँ आना अलाउ नहीं है। तो अभी वहाँ पे कैमराज अलाउ नहीं थे, इसलिए वहाँ की कोई शूटिंग नहीं है। अभी 10 आधा घंटा बैठने के बाद हम वहाँ से नीचे आ गए और अभी हम जा रहे हैं हॉल के बाहर। जो हम टीवी पे देखते हैं लाइव, उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे खुद विधानसभा में बैठकर हमें एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। इसके बाद हम सभी गए राष्ट्रमंडल संसदीय मंडल कक्ष में। वहाँ पे विधिमंडल के जो जनसंपर्क अधिकारी है नीलेश मदाने सर, उनके साथ हमने कुछ बातचीत की। जनता जनार्दनाचं व्यासपीठ आणि ते लोकशाहीचं महामंदिर पण आहे, परंतु या मंदिराचं वैशिष्ट्य असं आणि अन्य मंदिरांचं वैशिष्ट्य असं की अन्य मंदिरांमध्ये देव हा गाभाऱ्यात आहे, परंतु या जनता जनार्दनाच्या दृष्टीने जे काही हे लोकशाहीचं महामंदिर आहे, या महामंदिराचा देव इथे नसून मंदिराच्या बाहेर आहे, म्हणजे तो कोण? तो जनता जनार्दन। जनसंपर्क अधिकारी नीलेश मदाने सर ने हमें मार्गदर्शन किया और हमारे भविष्य के प्रयासों के लिए हमें शुभकामनाएं भी दी। तो इस तरह से हमने विधानसभा का कामकाज देख लिया और अभी हम बाहर आ चुके हैं। तो अभी हम हमारा जो एक्सपीरियंस है वो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हिवाळी अधिवेशनचं कामकाज आपण बघून अधिवेशनाच्या बाहेर आलेलो आहोत। तर या ठिकाणी आपले अनुभव या ठिकाणी कथन करणार आहेत। आपल्यासोबत आहेत राजेश्वरी कोटा, आपण काय सांगाल या अधिवेशनातून आपण काय माहिती? तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे कारण आपण सर्व एकाच ठिकाणी म्हणजे एकाच एरियामधून आलेलं आहोत, जे गडचिरोली क्षेत्र आहे सर्वांना माहीत आहे। आपण सर्व एकाच ठिकाणचे विद्यार्थी आहोत, तर आपण लहानपणापासून सर्व पुस्तकामध्ये अभ्यास करत असतो, लोकसभा काय, राज्यसभा काय, विधानसभा काय, विधान परिषद काय, हे सर्व आपण वाचन करत असताना आपल्या मनात अनेक शंका निर्माण होत असतात। विधानसभा कसं असते, विधान परिषद कसं असते, कोण कुठं बसला जातं, काय प्रश्न असतात त्यामध्ये, हे सर्व आपण एखाद्या पुस्तकातून अभ्यास केलेलं आणि एखाद्या टीव्हीत आपण प्रत्यक्षात टीव्हीत पाहिलेलं आणि त्यापेक्षा आज काहीतरी खर्च वेगळं वाटतंय की प्रत्यक्षात जे अनुभव घेतले, अर्धा तास 27 मिनिट मी विधानसभेत बसली आणि 3 मिनिट विधान परिषदेत बसली, त्यामध्ये मला खूपच छान वाटलं। इसके बाद हमारे डॉक्टर सरफराज अंसारी सर ने भी एक छोटी सी बाइट दी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। अभी हम सारे लोग चलते चलते अपने बस की तरफ जा रहे हैं, वो काफ़ी हमने दूर पार्क की क्योंकि इतनी बड़ी बस यहाँ पे अलाउ ही नहीं है। तो अभी हम आ गए हैं एक होटल में, एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, क्योंकि दिन भर से हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। मॉर्निंग में थोड़ा सा नाश्ता किया था, फिर उसके बाद जब हम विधान भवन में आए तो पूरा दिन हमारा वहीं चला गया, वहीं के कामकाज देखने में चला गया, और अभी हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, तो इसलिए अभी हम कुछ खाएंगे यानी खाना खाएंगे। तो कैसे लगी आला सर? अपन जेवन करा आलो, तिथे जेवन करा अख्खा दिवस भरायचा लंच आता इथं होणार। अरे वा वा वा। तो ये रहा छोटा सा एक रेस्टोरेंट युफोरिया करके।
हमारे सर ने पहले से ही यहाँ पे हमारे खाने का सारा इंतज़ाम कर लिया था। तो यहाँ पे जो खाना है वो वेज मिलता है, यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है ये, नॉन वेज नहीं मिलता। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है प्योर वेज। यहाँ पे हम सब बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, तो अभी देर नहीं करते, खाना खाते हैं और अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं, यानी गढ़चिरौली के लिए निकल पड़ते हैं। हम सब अब होटल के बाहर आ चुके हैं। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, क्योंकि वेज था लेकिन बहुत ही अच्छा लगा हमें ये खाना। हम सब ने भरपेट खाना खा लिया। अभी हम बस की तरफ जा रहे हैं। ये जो आज का स्टडी टूर था, इससे हमने बहुत कुछ सीखा, कई सारी नई चीज़ें हमने देखी। विधान भवन कैसे होता है, वहाँ का कामकाज कैसे चलता है, वो सब हमने अपनी आँखों से लाइव देखा। एक नया एक्सपीरियंस हमने अपने जीवन में ऐड कर लिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर कमेंट में लिखकर बताइए मुझे। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।